लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज थ्री एफ दैट इज लीने इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीने इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आए तो कैसे करेंगे चलिए सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं इक्वेशन है हमारी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू नाइन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू नाइन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है सिक्स एक्स प्लस के माइनस टू इंटू वाई इक्वल्स टू थ्री के माइनस टू ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है राइट right? तो अब कैसे करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये आई टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकेंड इक्वेशन हो गई सिक्स एक्स प्लस के माइनस टू वाई माइनस का थ्री के माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अब ए वन ए टू निकाल लेते हैं इसमें से ए वन हुआ टू ए टू हुआ सिक्स सेकेंड इक्वेशन का एक्स का कॉफिशेंट हुआ ए टू b1 हुआ फर्स्ट इक्वेशन का y का कॉफिशियंट b2 हुआ सेकेंड इक्वेशन का y का कॉफिशियंट के माइनस टू सी हुआ माइनस नाइन एंड c2 हुआ माइनस का 3k के माइनस टू अब हमें फॉर नो सॉल्यूशन निकालना है तो फॉर नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती थी होती थी a1 वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू एंड नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू राइट तो अब देखिए ए वन अपॉन ए टू क्या हुआ टू अपॉन सिक्स इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू क्या हुआ थ्री अपॉन के माइनस टू सी वन अपॉन सी टू क्या हुआ माइनस नाइन अपॉन ये नॉट इक्वल टू था माइनस थ्री के माइनस टू अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये दोनों इक्वल टू साइन होते थे ये नॉट इक्वल टू है लेकिन नॉट नो सॉल्यूशन में तो इसलिए ही हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोई सी भी वैल्यूज ले सकते थे ए वन ए टू सी वन सी टू के भी इक्वल ले सकते थे लेकिन नो सॉल्यूशन में ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ए वन ए टू नॉट इक्वल है सी वन सी टू के और बी वन बी टू भी नॉट इक्वल है सी वन सी टू के तो आप कैसे करेंगे पहले के की वैल्यू निकालेंगे तो हमने a1 a2 a1 टू ए वन अपॉन ए टू लिया इक्वल बी वन अपॉन बी टू के और बी वन अपॉन बी टू लिया हमने नॉट इक्वल जो है सी वन अपॉन सी टू के तो ए वन ए टू क्या हो गया दैट इज़ टू अपॉन सिक्स और बी वन बी टू क्या हो गया दैट इज़ थ्री अपॉन के माइनस टू के माइनस टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना आ गया टू इंटू के माइनस टू इक्वल्स टू थ्री इंटू सिक्स तो ये कितना आया टू के माइनस फोर इक्वल्स टू एटीन तो टू के कितना आया एटीन इधर आके प्लस हो गई फोर तो टू के आया ये हमारा दैट इज़ ट्वेंटी टू तो के कितना आ गया ट्वेंटी टू अपॉन टू दैट इज के की वैल्यू आ गई इलेवन और नॉट इक्वल में टू में देखिए बी वन बी टू क्या था के माइनस टू नॉट इक्वल टू सी वन सी टू क्या था माइनस नाइन अपॉन माइनस थ्री के माइनस टू राइट माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो थ्री की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो ये आया थ्री के माइनस टू नॉट इक्वल टू नाइन इं टू के माइनस टू तो यह आया नाइन के माइनस सिक्स नॉट इक्वल टू नाइन के माइनस एटीन के की वैल्यूज एक साइड आ गए माइनस नाइन के इज नॉट इक्वल टू माइनस एटीन प्लस सिक्स अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए के की वैल्यू ही खत्म हो गई तो यहाँ से तो निकल ही नहीं, नहीं सकती तो हैंस हम कह सकते हैं हैंस अबव इक्वेशन हैज़